स्टूडेंट्स सब्जेक्ट साइंस क्लास सेकेंड चैप्टर थ्री यूजफुल थिंग्स फ्राम प्लांट्स। यस स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लांट्स। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द प्लांट्स। यस दैट अपार्ट फ्राम फूड मीन्स बिन खाने भोजन के अलावा हमें पौधों से और भी कैसे बहुत सारी उपयोगिक चीज़ें मिलती है जैसे कि दवाइयाँ हमें मिलती हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत आवश्यक ना आवश्यक होती है सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट थिंग प्लांट्स गिव अस फाइबर्स पी एल ए एन टी एस प्लांट्स जी आई वी ई गिव यू एस एस एफ आई बी आर ई एस फाइबर्स प्लांट्स मीन्स पौधे गिव मीन्स देना अज मीन्स हमें फाइबर्स मीन्स रेशे ठीक है बच्चों मैंने ये आपकी वो फाइबर्स की वर्ड मीनिंग आपको प्रीवियस वीडियो में लिखाई थी और आपने लर्न भी की है, है ना सो लेट एस सी एंड यू वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू रिपीट दिस टूगैदर विथ मी ओके डब्ल्यू ई वी वी मीन्स हम एम ए के ई मेक मेक मीन्स बनाना सी एल ओ टी एच ई एच क्लोथ्स कपड़े हम बनाते हैं क्या बनाते हैं हम कपड़े मैट्स मैट्स मीनस जो चटाइयाँ होती है ना बेटा वो इन्हीं रेशो से बनती है रोप्स आर ओ पी ई एस रोप्स रोप्स मीन्स रस्सी रस्सी तो आप लोग जानते ही हो नहीं जानते बच्चों जानते होंगे ना आप मैं भी आपको बताऊँगी इनकी पिक्चर्स ठीक है सो नेक्स्ट ए एंड डी एंड एंड मीन्स और एस ए सी के एस सेक्स सैक्स मीनस बोरियाँ बोरियाँ जानते हो आप बच्चों जिसमें हम गेहूँ डालते हैं और भी अनाज डाला जाता है और भी कई सामान डालते हैं बोरियों में तो उन्हें हम क्या कहते हैं सेक्स एफ आर ओ एम फ्राम एफ आई बी आर ई एस फाइबर्स रेशो से क्या क्या बनता है कपड़े बनते हैं चटाइयाँ बनती हैं रस्सियाँ बनती हैं और बोरियाँ भी बनती हैं रेशे अलग अलग प्रकार के रेशे होते हैं अब हम रे अलग अलग प्रकार के जो रेशे होते हैं वो भी देखते हैं कॉटन क्लोथ सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन कॉटन मीन्स सूती सी एल ओ टी एच ई एस क्लोथ क्लोथ मीन्स कपड़े ए आर ई आर एम ए डी ई मेड एफ आर ओ एम फ्रम कॉटन सूती कपड़े जो है वो बनते हैं किससे बनते हैं सूती रेशे से बनते हैं कॉटन फाइबर्स यानी सूती रेशों से सूती कपड़े बनते हैं यानी रेशा मीस जो धागा होता है ना बेटा उसी से हमारे सूती कपड़े बनते हैं डब्ल्यू ई -E वी हम हमें या हम जी ई टी गेट गेट मीस मिलना सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन एफ आई बी आर ई फाइबर हमें सूती रेशा जो है वो कहाँ से मिलता है कॉटन प्लांट से सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन मीन्स सूती पौधे पी एल ए एन टी एस प्लांट प्लांट्स मीन्स पौधे हमें सूती रेशा जो है वो सूती पौधों से ही मिलता है यानी जो सूती जो होता है जो कपड़ा होता है जो रूई का जो पौधा होता है उसी से हमें सूती रेशे मिलते हैं डब्ल्यू ई वी वी जी ई टी गेट जे यू टी ई जूट जूट को जूट कहा जाता है ठीक है बच्चों एफ आई बी आर ई फाइब एफ आर ओ एम फ्राम टी हेच ई दे यू टी ई जूट P L A N T S प्लांट्स वी हमें जूट यानी जूट का जो फाइबर जो जूट का जो रेशा होता है जिससे बोरियाँ बनती है ना बेटा जो बोरियों में जो रेशा पाया जाता है वो जूट का ही रेशा होता है ओके इन्हीं रेशों से ये रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं जूट प्लांट से मिलते हैं J U T E जूट आई एस ईज यू एस ई डी यूज जूट का उपयोग टू मेक टी ओ टू एम ए के ई मेक मेक मीन्स बनाना एस ए सी के एस सैक्स आर ओ पी ई एस रोप्स सेक्स मीन्स बोरियाँ रोप्स मीन्स रस्सियाँ ए एंडी एंड एम ए टी एस मैट्स चटाइयाँ जूट जो है उसका उपयोग बोरियाँ रस्सियाँ और यहाँ तक कि चटाइयाँ बनाने में उपयोग में लिया जाता है अब आप कहोगे मैम चटाइयाँ जो है वो प्लास्टिक की बनती है प्लास्टिक के धागों से बेटा प्लास्टिक की भी बनती है लेकिन जूट जो है वो प्लास्टिक के रूप में पाए तो लेकिन सबसे अच्छा जूट जो होता है उनसे भी मैट बनाए जाते हैं जो कि जैसे बोरी बनी हुई होती है वैसे ये मैट्स बनाए बने हुए होते हैं P L A N T S प्लांट plant, plants means पौधे G I V E गिव give, give means देना U S एस as means हमें W W O D वुड वुड means लकड़ी पौधे जो है वो हमें क्या देखते हैं पेड़ जो होते हैं पौधे पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं लकड़ी भी देते हैं W E V हमें एम ए के ई मेक वी यानी हम क्या बनाते हैं चीज़ें वस्तुएं बनाते हैं टी H आई एन जी एस थिंग्स थिंग्स मीन्स चीज़ें या वस्तुएं एल आई के ई लाइक जैसे कि पी ई -E एन सी आई एल एस पेंसिल्स पेंसिल्स आप जानते हो बेटा पेंसिल का जो पेंसिल जो होती है उसका जो बाहरी आवरण होता है वो लकड़ी से बना हुआ है लेकिन जो लेड होता है वो अलग इससे बना हुआ है सो पेंसिल्स टेबल्स टी ए बी एल ई एस टेबल्स मेज़ तो जानते हैं लकड़ियों के भी होते हैं तो वो लोहे के भी होते हैं लेकिन यहाँ पे हम पेड़ पौधों के बारे में व वुड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वाली मेज़ है जो लकड़ी से बनी हुई होती है सी एच ए आई आर एस चेयर्स यहाँ तक कि कुर्सियाँ जो होती हैं आजकल तो कुर्सियाँ सब लोग प्लास्टिक की यूज़ करने लग गए लेकिन चेयर जो होते हैं वो वुड की भी बनी हुई होती थी और अभी भी आपके पुराने आपके घरों में पुरानी चेयर्स मिलती होंगी डब्ल्यू आई एंड डी ओ डब्ल्यू एस विंडोज़ विंडोज मीन्स खिड़कियाँ बनाने में भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है ए एंडी एंड डी डब्लो आर एस डोर्स डोर्स मीन्स दरवाजे बनाने में भी फ्रॉम वुड मीन्स लकड़ियों से क्या क्या बनते हैं पेंसिल टेबल चेर्स विंडोज़ एंड डोर्स डब्ल्यू डब्लो डी वुड आई एस आई इज आई एस ईज एल एस ओ ऑल्सो यू एस ई डी यूज ए एस एस अ फ्यूल एफ यू ई एल फ्यूल लकड़ी का उपयोग हम और भी किसी चीज़ उपयोग में लेते हैं वो है फ्यूल फ्यूल में ईंधन होता है बेटा ठीक है इसका उपयोग भी उसके लिए किया जाता है अब आप पूछ रहे हो मैम फ्यूल ईंधन का मतलब क्या होता है आप कोयले जानते हो बेटा जब लकड़ी को जलाया जाता है उससे जो कोयले उत्पन्न होते हैं उसे हम फ्यूल कहते हैं ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ वी विल डू सम